आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच प्रिडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के चौथे मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच। ये मुकाबला 3 जून को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 8 बजे नौशा कंट्री इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में श्रीलंका की टीम जीती है, वहीं 11 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें श्रीलंका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे पाथुम निशांका, कुशाल मेंडेस, सदीरा समाविक्रमा, चरित असालंका, वानिंदु हसरंगा कप्तान, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन सनाका, महेश सिन्हा, दिलशान मधुसंका, मतिसा पतिराना और दुष्मंता चमीरा। श्रीलंका की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो हमें साउथ अफ्रीका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान एडन मरक्रम, रिजे हेनरिक्स, रियान रिकल्टन, हेनरी क्लासन, जस्टिन स्टब्स, डेविड मिलर, तब्रेज शम्सी, केशव महाराज, ब्रोजान फुटरू, कगिसो रबाडा और गेरहार्ड कुट्जी। दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, इनफॉर्म भी हैं। टॉप ऑर्डर बैटर्स दोनों ही टीमों के पास काफी बेहतरीन है। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में हल्का सा पड़ा साउथ अफ्रीका का भारी दिख रहा है, क्योंकि इनके पास इनफॉर्म हार्ड हिटर बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं हल्का सा पड़ा साउथ अफ्रीका का भारी रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब की पिच है वहाँ पर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच हमें एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग जैकपॉट मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा कंट्री इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूयॉर्क में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पर पेसर्स को काफी ज्यादा मदद देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पर टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट तो आती आती है, इसी के साथ सेशंस भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लगातार बैक टू बैक काफी ज्यादा प्रॉफिट करा रहे हैं। आईपीएल भी हमारा काफी शानदार गया था, बैक टू बैक आपको मैचेस पास मिले थे और कप विनर भी हमारी टीम रही थी। इसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की सारी अपडेट आपको बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है साउथ अफ्रीका। हाँ दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टॉस के साथ साथ मैच और सेशन की अपडेट भी वहीं पर मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।